दी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 से पहले की इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, कौन सा है? द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री टू प्रूव इट। द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स, मतलब थ्री एंगल का मतलब इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी अब तक तो आप ये अप्लाई करते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले गिवन में आप एक ट्रायंगल एबीसी बना ले, आप ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल एबीसी इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। कैसे प्रूव करें? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ले ले। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एल पैरेलल टू बीसी। अब एक लाइन ड्रॉ कर ले एल, इसके पैरेलल बीसी की, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए। ये हमने कंस्ट्रक्शन ले ली। प्रूफ के अंदर लेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिनोटेड बाय एंगल 1, 2, 3। इसको 1 से डिनोट कर दिया, इसको 2 से, इसको 3 से, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया डिनोटेड बाय एंगल 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। प्रूफ के अंदर ये आपका उसके बाद में ये कर दी थी आपने, लेट द एंगल ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिनोटेड बाय एंगल 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में आपको ये बताया कि जो लाइन एल है, सिंस एल पैरेलल टू बी सी, एक आप इसमें ट्रांसवर्सल ले रहे हो। मान लो आपने ए बी को ट्रांसवर्सल ले लिया, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल आपका जो 2 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद में अब अगेन फिर से अगेन अब एल पैरेलल टू बी सी, अब ट्रांसवर्सल कौन से ले रहे हम? एसी। एसी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 3 होंगे, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और ये 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दे तो इसमें आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4। हमें तो 2 और 3 तो मिल गए, 1 और चाहिए, तो हमें तो इन तीनों का सम 180 डिग्री लाना है। तो आप ऐसे लिख दो, एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड, ये और लिख दे, एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंगल 1 ऐड कर दीजिए आप। यहां लिख देता हूं मैं एंगल, बेटा यहां तक आ गया एंगल 2 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 5 प्लस एंगल 4। अब आपके पास में तो 2 और 3 आया है तो इसलिए एंगल 1 और ऐड कर दो, एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड। अब 1 और ऐड कर देते हैं हम यहां, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब आपको पता है कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस 4 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री, बिकॉज एल इज ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज एल लाइन एल इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो लाइन एल है एल इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 डिग्री का होता है। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 180 डिग्री। और 1 की जगह क्या रख दे? एंगल ए, तो हेंस एंगल ए, 2 की जगह एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार फिर देख ले, हमें क्या प्रूव करना है इसमें? सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमने क्या लिया? ट्रायंगल एबीसी, अब एबीसी आर द इंटीरियर एंगल, क्या प्रूव करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन ले ली, ड्रो ए लाइन एल पैरेलल टू बीसी पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए, लेट
the angle ABC of triangle ABC denoted by angle 1, 2, 3 respectively. अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं ये, सिंस L पैरेलल किसके है BC के और AB को हमने ट्रांसवर्सल लिया तो 2 किसके बराबर हो गया, 5 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगेन L पैरेलल टू BC एंगल 3 किसके इक्वल एंगल 4 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इन दोनों को ऐड कर दिया 1 और 2 को, इक्वेशन 1 2 को, तो 2 + 3 = 5 + 4. अब कंप्लीट A और प्लस करना है यहां पर एंगल A, तो यहां पर एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड, यहां पर ऐड कर दिया 1 + 2 + 3 is equal to 5 plus 1 plus 4. इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी एंगल 1. अब एंगल 5 plus 1 plus 4 180 डिग्री के बराबर होगा because L is a straight line. Because line L is a straight line. अब ये हो गया आपका 1 plus 2 plus 3 is equal to, इसके जगह क्या रख दिया हमने, 180 डिग्री रख दिया. So hence एंगल A plus B plus C is equal to 180 डिग्री. अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. इन फिगर साइड QP एंड RQ, QP ये वाला और RQ ये वाले साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस टू द पॉइंट S एंड T, यानी कि इसको तो QP को तो S तक बढ़ा दिया और RQ को T तक प्रोड्यूस कर दिया. इफ SPR, SPR ये एक्सटीरियर एंगल इज 135 और PQT ये 110, फाइंड द एंगल TR, ये इंटीरियर एंगल निकाल रहे हैं. तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो आप ये वाला एंगल निकाल दो, इसको एंगल 1 नाम दे दो. ये लीनियर पेयर लग जाएगा, एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर LP. अब एंगल 1 आ जाएगा, 180 में से 110 लेस कर दो, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री. अब ऐसे यहां पर लीनियर पेयर अप्लाई कर लो, एंगल अगेन एंगल 2 प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 की वैल्यू आ गई, 180 में से 135 लेस कर दो, क्या बच गया, 45 डिग्री आ गया एंगल 2. अब 1 और 2 आपके पास आ गए या आर निकल जाएगा, इंटर एंगल पी क्यू आर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब वैल्यू पुट कर दो, 1 की जगह क्या रख दो यहां पर, 70 डिग्री, 2 की जगह 45 डिग्री प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों का प्लस कर दो, 115 डिग्री आ गया प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180. अब एंगल पी आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस कर दो अब इसमें से, देयरफॉर पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 में से 115 क्या कर दो, माइनस कर दो, पी आर क्यू की वैल्यू आ गई 180 में से 115 जब आप लेस करोगे, 115 5 7 में से गया 6, यानी कि 65 आ जाएगा. कैसे किया फिर एक बार देख लें, ये लीनियर पेयर अप्लाई कर दिया, 1 प्लस 110 180 के बराबर हो गया, तो 180 में से 110 लेस कर दिया, ये 70 डिग्री का आ गया. ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर अप्लाई कर दिया, 135 प्लस 2 180 हो गया, तो 2 की वैल्यू 180 में से 135 लेस कर दिया, ये 45 बच गया. अब 1 और 2 की वैल्यू आ गई, इस ट्रायंगल PQR में एंगल सब प्रॉपर्टी यूज कर लो, 1 प्लस 2 प्लस PR की 180, तो 70 प्लस 45 प्लस PR की 180 आ गया, इनका सम 115 आ गया, PR की 180. अब 115 180 में से लेस कर दिया, 65 आ गया. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फिगर x इज इक्वल टू 62, ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, इसमें x 62 दे रखा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये 54 दे रखा है. इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, टू फाइंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई कौन सा है, ओ जेड वाई एक तो ये एंगल निकालना है और वाई ओ जेड एक ये एंगल, ये दो एंगल फाइंड आउट करने. सॉल्यूशन में पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके जेड निकाल लो, इंटर एंगल एक्स वाई जेड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल
जो अभी आपको प्रूव करवाया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। एक्स की जगह 62 रखा, वाई की जगह 54 रखा प्लस जेड इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम कर दिया 116 आ गया प्लस जेड इज इक्वल टू 180। जेड की वैल्यू आ गई 180 में से 116 लेस कर दिया तो कितना बच गया आपका, देखो 180 में से 116 चार ये 64 बच गया, जेड आ गया 64। अब वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर, आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एंड एंगल जेड, ये इसके बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल यहां तक इसको वन नाम दे दो, इसको टू नाम दे दो। अब जो एंगल वन है वो हाफ ऑफ एंगल क्या होगा, वाई का हाफ होगा, वाई की वैल्यू कितनी है 54, दो से डिवाइड कर दो 27 डिग्री का हो जाएगा एंगल वन। ऐसे ही एंगल टू निकाल लो, हाफ ऑफ एंगल जेड, जेड कितने का निकाले अभी आपने 64 का, आधा कर दो 32, यानी कि एंगल टू कितने का आ गया आपका 32 डिग्री का, वन और टू आपके पास आ गए। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर लगाओ इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल वन प्लस टू प्लस वाई ओ जेड 180, वन की वैल्यू रखो 27, दो की वैल्यू रखो 32 प्लस वाई ओ जेड 180, दोनों का प्लस कर दो 59 आ गया प्लस वाई ओ जेड 180 डिग्री, तो वाई ओ जेड कितने का आ गया 180 में से 59 लेस करो तो ये बच गया आपका वाई ओ जेड, देखो 180 में से 59 वन बच गया, सात में पांच गया तो 121 आ गया, ये आपका वाई ओ जेड आ गया। एक तो आपको वाई ओ जेड निकालना था और एंगल ओ जेड वाई कितना है आपका, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई कौन सा था आपका, एंगल टू था और एंगल टू की वैल्यू कितनी थी 32 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई कितने का हुआ 32 डिग्री का। एक तो आपको ये निकालना था ओ जेड वाई और एक आपको वाई ओ जेड निकालना था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड करा और बाकी आप ट्राई करेंगे इस एक्सरसाइज की, तीन इसकी कितने 6 क्वेश्चन है, बाकी 4 क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे इसकी, और नहीं अगर आएंगे तो आप कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।